क्या आपने कभी स्पेनिश ऑमलेट के बारे में सुना है मैंने भी रिसेंटली सुना और आपको पता है मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करना कितना पसंद है तो मैंने सोचा मैं, मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि खा कैसे है खाने में तो मैंने ट्राई करा इसके अंदर क्या होता है ना कि ऑमलेट के अंदर प्याज और आलू डलते हैं आलू इन ऑमलेट आई नो थोड़ा शॉकिंग है मैंने भी पहली बार सुना पर तो मैंने सोचा अब नया है ट्राई तो मैं एक बार करूँगी घर पर अब जा के तो नहीं ट्राई कर सकती स्पेनिश ऑमलेट ज़्यादा ज़्यादा महंगा सौदा हो जाएगा पर घर पे तो ट्राई कर सकती हूँ ना तो मैंने प्याज और आलू काट लिए और साथ में मैंने लिया ऑलिव ऑयल उल। और आ, काट लिया नहीं ले लिया ऑलिव ऑयल उल। <laughs> और ये डाला वैसे ना इसको फ्राई करते होते हैं पर मैंने सोचा यार इतना तो सारा ऑयल क्यों डालू करूँगी क्या ऑयल का मम्मी बोलेगी बाद में तो मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाल के जितनी ज़रूरत थी उतना डाला और प्याज और आलू को ना ऐसे कैरमलाइज करना शुरू कर दिया अच्छे से इसको एकदम आलू और उसमें मतलब तो वो ब्राउन सा कलर आ जाएगा ना तब तक इसे करते रहो पाँच दस मिनट ठीक है मैंने तो ढक दिया था अच्छे से ताकि जल्दी जल्दी हो जाए तो ये देखो थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया है क्या इससे ना वैसे मुझे इसका कलर देख के ना आलू जीरा सब्जी की याद आ गई सही बताऊँ तो दिखाती हूँ कैसे ऐसे इसको देख के <laughs> तो फिर ये अच्छे से मतलब ऑलमोस्ट थोड़े से कैरलाइज हो गए हैं अब क्या करो आप लो अंडे मैंने तीन अंडे तीन बोल रहे हो तीन अंडे तीन आलू तीन प्याज लिए थे पर प्याज़ ज़्यादा कर देना और आलू कम रखना क्योंकि वो ज़्यादा बड़े होते हैं ना तो मेरे पास आलू प्याज थोड़े छोटे छोटे देते तो आलू की क्वान्टिटी प्याज से कम्पेरेटिवली ज़्यादा रह गई मैंने लिए कुछ तीन अंडे और ये दो से तीन लोग शेयर कर सकते हैं इस ऑमलेट को इवनिंग स्नैक की तरह या ब्रेकफास्ट की तरह बताती हूँ कैसे तो चलो प्याज और आलू निकाल लो जो हमने कैरमलाइज कैमलाइज़ हैं अब मसालों में मैं क्या डालूँगी बताती हूँ हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर डालूंगी इसके अंदर और ना इसको ना पाँच दस मिनट ना ये ऑमलेट वैसे तो बहुत नया नए तरीके का है लेकिन आ, इस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है तो जब आराम से संडे वनडे को ट्राई करने का मन करे ना कुछ नया तब ट्राई करना ऐसे समझ रहे हो तो इसको ना आप दस मिनट ना ढक दो स, तो सेटल लेन होने दो तो, ताकि इसका टेस्ट ना अच्छे से वो हो जाए मौज हो जाए एक दूसरे के अंदर सबका फिर उसके बाद हम इसको तवे में ऑमलेट की तरह बना लेंगे आगे पीछे से मुझे जिस तरीके से इसका टेस्ट लगा जैसे मैंने सीखा ना ये थोड़ा सा मुझे फीका लगा अपने इंडियन जैसी मैं हूँ स्पाइसी खाने वाली उसके हिसाब से पर आप आगे पीछे कर सकते हो मसाले यू नो तो वो करो इसको आप ब्रेड के अंदर भी डाल के खा सकते हो पलटा मैंने कैसे मैंने ये आपने देखा क्या मैंने कैसे पलटा आप प्लेट रखो और उल्टा कर दो उसको तो वो अच्छे से पलट जाएगा तो दिक्कत नहीं है क्योंकि बड़ा है ना तो दिक्कत नहीं आएगी बस इसको ट्राई करो शेयर करो उनके साथ जिनको ये ट्राई करना चाहिए एक्चुअल में नई चीज़ है तो ट्राई तो करनी चाहिए थोड़ा नया टेस्ट हो जाएगा और सब्सक्राइब कर चैनल को अगर नए हो तो ये मैंने और भाई ने खाया और हाँ हमें काफ़ी अच्छा लगा मतलब वर्थ इट ट्राई करो अगर भाई